नमस्कार, मैं प्रेमलता भूषण मिथिल में आपका स्वागत है। आज हम होममेड कस्टर्ड पाउडर बनाएंगे। कस्टर्ड पाउडर बनाना बहुत ही आसान है। कहीं कहीं कस्टर्ड पाउडर नहीं मिलता है तो हम घर में बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से कस्टर्ड बना सकते हैं कस्टर्ड पाउडर बनाने के बाद। तो आइए उसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 8 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1 कटोरी मैंने चीनी ली है, 1 पिंच मैंने फूड कलर लिया है, लेमन फूड कलर येलो कलर है, और वनीला एसेंस है जो मुझे 1 चम्मच की यूज़ करना है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी जार ली है। पहले हम चीनी डाल देंगे इस तरीके से, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, मिल्क पाउडर डाल देंगे, फूड कलर डाल देंगे, 1 चम्मच वनीला एसेंस डालना है। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, उसको अच्छे से महीन सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लेंड कर लिया है, महीन सा पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए इस बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया है अच्छे से। हमारा होममेड कस्टर्ड पाउडर तैयार हो गया है, बिल्कुल बाजार जैसा कस्टर्ड पाउडर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसको बहुत ही आसान से बना सकते हैं आप घर में। इसको हम पलट लेंगे, थोड़ा इस तरीके से एक बाउल में हमने पलट लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कस्टर्ड पाउडर बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल बाजार जैसा बना है और बहुत ही आराम से बन गया, बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है कस्टर्ड पाउडर। आप भी इस तरीके से बनाइए होममेड कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर से आप आइसक्रीम भी बना सकते हैं और इसकी कुल्फी भी जमा सकते हैं फ्रेंड्स, फूड कस्टर्ड बना सकते हैं, कितना आसानी से बन जाता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। कमेंट करें, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।